चीज मेंशन किया गया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैंने यहां पहले ही बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको डिफाइन करने का सिर्फ मतलब यह है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है ना। वो जो टेस्ट चार्ज हम लोग रखते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस स्पेस में रखे हुए जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो है फोर्स निकल जाता है ना। ये तो अगर एक पॉइंट चार्ज हो उसके कारण से किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स निकालना तो बहुत ही आसान है, सीधे हम लोग कूलम्ब चल लगाएंगे निकाल सकते हैं। लेकिन खूब सारे अगर पॉइंट चार्जेज हैं, मतलब चार्जेज का सिस्टम है, उस सिस्टम के कारण से किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना हो तो एक तरीका यह है कि इन सब के कारण से हम बारी बारी से फोर्स निकाल कर ऐड करें, है ना, वो बहुत लंबा काम है। दूसरा तरीका यह है कि इन सब के कारण से अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो बस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो भी चार्ज पर फोर्स निकालना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यह है कि किसी पॉइंट की वो प्रॉपर्टी होती है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का उस चार्ज से मल्टीप्लाई करने से फोर्स निकाला जा सकता है, है ना। जबकि अगर हम बात करें कि वैसे केसेज जिनमें चार्ज स्टेशनरी नहीं है, इन केसेज अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज जो है हो सकता है एक्सेलरेटेड हो, तो उस केस में भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा जो है सिग्निफिकेंस होता है, ज्यादा यूज होता है, है ना। जैसे कहा जाता है कि द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज क्यू, यहां पर जो चार्ज क्यू दिखाया गया है, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा था, ये भी सपोज एक्सेलरेट हो रहा है, दोनों ही एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो इसके एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि इसमें थोड़े थोड़े जो भी चेंजेज हो रहे हैं, हो सकता है चार्ज बढ़ रहा हो, घट रहा हो, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो या पोजीशन चेंज हो रहा हो, वो डायरेक्टली उसके पास पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली उस पर इंस्टेंटेनियसली उस तक नहीं पहुंचेगा। तो होगा क्या कि यहां पर जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फील्ड जो है ना, ये फील्ड क्रिएट करता है आसपास में, जो भी चेंजेज होते हैं तो वो इस फील्ड में स्प्रेड होता है। ऐसे जैसे मैं बोलता हूं तो साउंड का भी अपना एक फील्ड होता है, वो धीरे धीरे, जिसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, वो वेव फ्रंट धीरे धीरे फैलता रहता है। तो वैसे ही यहां से अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज जो है इस फील्ड में जो है स्प्रेड होता रहता है, और वो जो भी चेंज हुआ है ना, जो भी चेंज हुआ है वो इस तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लेता है, टाइम डिले होता है वहां पर, है ना। तो होता क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज एक्चुअली में एनर्जी रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक्चुअली में लाइट के स्पीड से चलता है, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट के स्पीड से चलता है। यहां जो भी चेंजेज होंगे वो भी लाइट के स्पीड से यहां से ट्रेवल करके इस चार्ज तक पहुंचेंगे, और उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो भी चेंज होगा उसके हिसाब से उस पर फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज यहां पर समझाया गया है कि द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, एंड रीच टू चार्ज स्मॉल क्यू, इस चार्ज तक पहुंचता है एंड एग्जर्ट फोर्स, और पहुंचने के बाद इस पर फोर्स लगाता है, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टेशनरी चार्ज जो है ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक। उसी तरह से कर सकते हैं, चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है एंड एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ध्यान रखना है ये चीज, स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कोई चार्ज जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। कोई एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। ठीक है, और जो एनर्जी रेडिएट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट करता है। ये चीजें हमें याद रखनी है।